देश का 67वां स्वतंत्रता दिवस हर साल की तरह बड़ी धूमधाम और राष्ट्रीय गरिमा के साथ स्थानीय भीम स्टेडियम में मनाया गया। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र सिंह ने नेहरू पार्क स्थित शहीदी स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और स्टेडियम पहुंचकर ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट का निरीक्षण और परेड की सलामी ली। स्वतंत्रता दिवस समारोह में सैकड़ों स्कूली छात्र छात्राओं ने शानदार पीटी, लेजियम और डंबल शो प्रस्तुत किया। परेड कमांडर डीएसपी अमित भाटिया के नेतृत्व में हरियाणा पुलिस के अलावा महिला पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी कैडेट्स और स्काउट्स ने तिरंगे झंडे को सलामी दी। आपके सामने हरियाणा सशस्त्र पुलिस, तो जोरदार तालियों से इन बच्चों का भी उत्साहवर्धन कर हरियाणा सशस्त्र पुलिस महिला बल, आप जानते हैं वो ठीक है और शत्रु से सजग रहने के लिए रचना का एक स्तर है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में स्कूल के विद्यार्थियों ने राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतपोत गीतों के साथ साथ पंजाबी भंगड़ा, गुजराती, हरियाणवी और राजस्थानी लोक नृत्य भी पेश किए। समारोह में स्वास्थ्य मंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों, युद्ध विधवाओं, उत्कृष्ट खिलाड़ियों व समाज सेवा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थियों के लिए 51,000 की राशि व 16 अगस्त को स्कूलों में अवकाश की घोषणा भी की। देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज उन शहीदों की वजह से हम आज़ाद देश में खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो जितना उनकी तारीफ की जाए, जितना उनको प्रणाम किया जाए, जितना उनका सम्मान किया जाए, उतना थोड़ा है। हमारी सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने, जो खुद सत्ता सेनानी परिवार संबंध रखते हैं, उन्होंने सबसे पहले मुख्यमंत्री बनते ही सत्ता सेनानियों का मान सम्मान बढ़ाया। इसलिए हमेशा हमारी सरकार की मंशा है कि जिन लोगों ने देश के लिए शहादत दी है, काम किया है, उनको पूरा सम्मान दें, उनको पूरी इज्जत दें। ठीक है, सरकार इसके लिए पूरी तरह कर सकती है। सर, क्या सही मायनों में आज़ादी मिल पाई? आप मानते हो जब इतने दौर में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, सामाजिक कुरीतियाँ चरम सीमा पर है, क्या हर आम खास का दायित्व नहीं बनता इन कुरीतियों पर काबू पाया जाए, भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए? इसमें कोई शक नहीं, ये हर देशवासी का कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है, फर्ज बनता है कि हम अपने देश की सही तरीके से अपने देश के लोगों की सेवा करें, करप्शन को दूर करें, करप्शन में भागीदारी ना बने। इसके लिए हम सबको संकल्प लेना पड़ेगा। इसके लिए कोई एक व्यक्ति नहीं, अगर दोषी है तो हम सब दोषी हैं। और मैं समझता हूँ हमें उसको पूरी तरह से एक अच्छा प्रशासन देना चाहिए और करप्शन रहित मैं समझता हूँ अपने देश को बनाना चाहिए।